अच्छा इस ये जो पेपर है ना, इसके अंदर बताया गया है कि विर्की जीन्स क्या होते हैं, उसकी जीन की फैमिली क्या है। विर्की नॉर्मली ये एक ग्रुप ऑफ जीन्स हैं जो कि एक्सप्रेस होते हैं अंडर बायोटिक स्ट्रेस। कब एक्सप्रेस होते हैं पौधों के अंदर? जब भी पौधों के अंदर ना कोई स्ट्रेस आता है, स्पेशली जब बायोटिक स्ट्रेस लाइक वायरसेस हैं या आप फंगल अटैक हो जाता है पौधों के ऊपर या इस तरह का कोई। अब इन्होंने क्या किया है कि विर्की जीन्स ऑलरेडी बड़ा इंपॉर्टेंट थे, कोकमस सेटिवस किसे कहते हैं, हीरे को। इन्होंने ये देखा गया कि विर्की जीन फैमिली टोटल कितनी है कोकमस के अंदर, कोकमस के अंदर कितने विर्की जीन्स हैं और उनका डिफरेंट का फंक्शन क्या है, क्या वो एक ही तरह के हैं या उसके होमोलोग्स कितने हैं, पैरालॉग्स कितने हैं। तो आपको पता है कि होमोलोग्स और पैरालॉग में फर्क क्या होता है? फिर होमोलोगस तो वो क्रोमोसोम जो होते हैं जो एक जैसे हो, नहीं, होमोलोग, ये मैं इंटरनेट पे भी, डिफरेंस बिटवीन पैरालोग पैरालॉग एंड ऑर्थोलॉग जीन्स, ठीक है। ये हम ऑर्थोलॉग्स आर द जीन्स दैट आर रिलेटेड बाय वर्टिकल डिसेंट। अच्छा फर्ज किया, और ये इनकी डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन ऑर्थोलॉग्स आर द जीन दैट आर रिलेटेड बाय वर्टिकल डिसेंट्स फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर इनकोड अ प्रोटीन विद द सेम फंक्शन इन डिफरेंट स्पीशीज। फर्ज किया एक टोमेटो के अंदर एक जीन था, फर्ज किया विर्की जीन ही था। अब उसे वो नेक्स्ट गया, उसे एक नई स्पीशीज बन गई लेकिन वो जीन सेम रहा। फर्ज किया सोलेनेसियस क्रॉप है ना, उसके अंदर क्या गया, एक जीन था उस, एक मिनट मुजाहिद की कॉल आ रही है तो मैं इसमें थोड़ा सा, आप चाहते हैं कि यार नहीं मैं ना इसी जीनोम सीक्वेंस के अंदर वो जो जो किसी भी बंदे ने सबमिट करवाया हुआ है, मैं चाहती हूं कि इसके अंदर मुझे लगता है कि जो एक्सपायर्ड जीन है उसकी डाइवर्सिटी कितनी है इस प्लांट के अंदर, ठीक है। फिर जी सर, उसमें से हम, अच्छा फिर हम देखेंगे कि इस जीन की फैमिली इसके अंदर अगर, तो वो प्लांट बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट है या नहीं है, तो उसे ये पता चल जाएगा कि ये रेजिस्टेंट क्यों नहीं है या ये रेजिस्टेंट क्यों है। फिर आगे इसकी आपको पता है कि जीन जो होते हैं उसके ऊपर एडिंग फ्रेम से मैसेंजर आरएनए बनता है, फिर उससे प्रोटीन जी बनता सर, है। अच्छा अब वो जो जी प्रोटीन है, ठीक है, अब पता है कि अब प्रोटीन की भी आगे सब डिवीजन होती है। आपको पता ना कि जी सर, उसके अंदर डोमेन्स होती हैं, एक डोमेन जी और सर, होगा दूसरी डोमेन का, जिस तरह डीएनए की जब हम देखते हैं तो जब रेप्लिकेशन करनी होती, फर्ज किया कोई ऐसा जीन है जिधर रुबिस्को है, रुबिस्को के एक जीन का काम होगा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करनी, एक डोमेन का काम। दूसरे का ये हो सकता है कि उसको इनसाइड द प्लांट लेकर आना। तीसरे का काम होगा कि उसको ग्लूकोज, जी फर्ज किया उसकी तीन डोमेन्स है, फर्ज क्या मैं कह रहा हूं, ठीक है। इसी तरह विर्की जीन्स, इसकी भी डिफरेंट डोमेन्स हो सकती हैं। अब हमने ये भी आइडेंटिफाई करनी है कि विर्की जीन्स की कितनी डोमेन्स हैं और सर, उन डोमेन्स में से कौन कौन सी डोमेन्स किस किस और जीन के अंदर है, विर्की के अलावा भी किसी जीन के अंदर डोमेन्स हैं इसकी। विर्की के एक जीन है जो कि हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स करवाती है या वायरस को डिफेंड करती है, लेकिन क्या अब वो जो जीन की वो एक डोमेन है वो सिर्फ विकी के अंदर है या इसके रिलेटेड मिलते जुलते और भी डिफेंस रिलेटेड जितने जीन, क्या उसके अंदर भी डोमेन पाई जाती है कि नहीं। तो इस तरह हमें एक जीनोम वाइड एनालिसिस करेंगे, और इसके लिए हम जितने मैंने आप लोगों को, जो मुजाहिद ने आप लोगों को सॉफ्टवेयर बताए हैं, तो इससे हमें बहुत अंदाजा हो जाएगा। अच्छा विर्की पर अभी मैं थोड़ा सा इस पेपर के बारे में थोड़ा सा पढ़ता हूँ तो आपको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अंदाजा हो जाएगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं।
अब आप लोगों ने अपने जो जो आप लोगों को जीन्स दिए गए हैं तो आपने इस तरह के पेपर पढ़ने हैं। अगर आपके जीन्स से रिलेटेड इस तरह के पेपर नहीं है कि और पेपर पढ़ लें और उसको स्टडी करें फिर आपने मुताबिक जहर, अगर आपका नहीं है पेपर का तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि आपने वो पेपर पब्लिश करना है अब, ठीक है। इसके अंदर आप देखें बैकग्राउंड में इसका के विटामिन्स आर द एक मिनट इसको ना, अच्छा विर्की जीन्स आर द फैमिली ऑफ ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर्स। अच्छा आप ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर्स क्या होते हैं ये आप लोगों सबको पता होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या होते हैं यार, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस हेल्प करते हैं, रेगुलेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन लाइक एग्जैक्टली। ये विर्की भी है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, जो जीन है जिससे प्रोटीन बनती है वो प्रोटीन क्या करती है, दे हेल्प इन ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा दे आर इन्वॉल्व बायोलॉजिकल प्रोसेस सच एज प्लांट डेवलपमेंट के अंदर भी इसका रोल है, मेटाबॉलिज्म के अंदर भी रोल है एंड रिस्पॉन्स बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस। इट मींस इसका काम नहीं है, इसका काम मैनी है। जिस तरह वो आप मैंने बताया ना कि ऑर्थोलॉग्स और पैरालॉग्स वाली वही कहानी कि विर्की जीन्स, कुछ विर्की जीन्स क्रोमोसोम नंबर पे होंगे, कुछ विर्की जीन्स क्रोमोसोम नंबर 3 पे होंगे, कुछ विर्की जीन्स कुछ और क्रोमोसोम्स के ऊपर होंगे, और हर एक का काम जो है वो डिफरेंट है या सेम है ये भी हमने बताना है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा जहर है, अगर जिस तरह अबीरा आपने काम किया हुआ है माशाल्लाह, उसका थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, ये समझो उसका बैकग्राउंड है, ठीक है। तो इसके अंदर प्रायर टू द प्रेजेंट वन फुल लेंथ कुकुमस विर्की प्रोटीन्स एंड रिपोर्टेड है, रिसेंट पब्लिकेशन ऑफ द ड्राफ्ट जीनोम सीक्वेंस ऑफ कुकुम्बर अलाउ अस टू कंडक्ट अ जीनोम वाइड एनालिसिस। बस इसने क्या किया कि ऑलरेडी किसी बंदे ने जो खीरा है उसका विर्की उसका जीनोम सीक्वेंस करवाया, तो हमें ये जो बंदा कहता है कि हमें इससे एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मिल गई। अब हम उसमें से क्या किया कि हमने जस्ट कंप्यूटर पे बैठ पे, और ये आपको पता है बीएमसी जीनोमिक्स 4.5 इंपैक्ट फैक्टर है, इसका बहुत अच्छा इंपैक्ट फैक्टर है जनरल है ये जो आप जस्ट घर बैठे अगर आप इसको अच्छे तरीके से और एक महीने के अंदर आप एक अच्छा पब्लिकेशन कर सकते हो जस्ट बाय यूजिंग द जीनोम वाइड एनालिसिस, ठीक है। तो मेरी बात की समझ आ गई बच्चों? यस सर, काफी हद तक इंशाल्लाह आप लोग सर सिग्नल्स क्रॉप है, आवाज नहीं ठीक आ रही। मैं ना ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ तो मैं इंशाल्लाह इसके बाद में ना आपको रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, तो आपको और फिर आप काइंडली इसको जब दोबारा इसको वीडियो को देखोगे तो ज्यादा समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ठीक है। तो अब आगे रिजल्ट्स में क्या कह रहा है, इन्होंने क्या किया कि वी आइडेंटिफाइड 55 विर्की जीन्स। इसने क्या किया कि कुकुम्बर के अंदर इसको पता चला कि 25 ऑर्थोलॉग्स पैरालॉग्स जो भी है, ये कह रहा है कि इसके पास 55 विर्की जीन्स हैं जो कुकुम्बर के अंदर, इसको पूरी जब जीनोम का सीक्वेंस एनालिसिस किया गया तो पता चला कि 55 विर्की जीन्स हैं। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ देयर इनकोडेड प्रोटीन द कुकुम्बर विर्की जीन्स वर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। इसने कहा कि जो है तो भी कितने हैं, 3 ग्रुप्स हैं, इसके 3 ग्रुप्स बनाए हैं इसने, और फिर एनालिसिस ऑफ द प्रोफाइल इंडिकेट दैट 48 विर्की जीन्स डिस्प्ले डिफरेंट एक्सप्रेशन अदर देन देयर ट्रांसक्रिप्ट अबंडेंस। फिर ये भी इसने मालूम किया ये रियल टाइम पीसीआर के थ्रू, लेकिन जरा वो हम नहीं करेंगे, हम जरा जस्ट सीक्वेंस एनालिसिस करके ही बताएंगे। इन्होंने क्या किया कि कौन से विर्की जीन्स कहाँ एक्सप्रेस होते हैं, इसने फिर देखा कि रूट्स के अंदर कितने विर्की जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, शूट के अंदर, इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर, फिर इसका डिफरेंट स्ट्रेसेस के दौरान कौन सा विर्की जीन एक्सप्रेस होता है, ये भी थोड़ा सा इसने आइडियल एक्स्ट्रा एनालिसिस किया यूजिंग रियल टाइम पीसीआर मशीन के जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस से।
हमने ये पहला वाला काम करना है कि आइडेंटिफाई करने है कि कितने, और उसको फिर ग्रुप्स में, फिर उसकी डिफरेंट प्रोटीन्स की डोमेन का एनालिसिस करना है कि उसके अंदर जो 55 डिफरेंट है उसके अंदर कितनी डोमेन्स हैं, फिर उस और उसके अंदर कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं, फिर उसमें से कौन सा जीन फिर एक्सप्रेस करवाया जाए कि उससे हमें कोई इंपॉर्टेंट एविडेंस मिल सकता है कि ये जीन हम इसको इस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर फाइनल सर, लेकिन हम लोग खाली जो है वो रियल टाइम पीसीआर यूज किए बगैर या सिंपल पीसीआर भी यूज किए बगैर हम लोग कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा जो है वो जीन किसके लिए जो फंक्शन कर रहा है? वो बात आपकी ठीक है जहरा, अभी हम रियल टाइम पीसीआर नहीं लगा सकते। ठीक है, लेकिन हम पेपर के अंदर हम फ्यूचर रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि इसके अंदर इस जीन की इतनी इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी इतनी इसके अंदर डोमेन्स हैं, ये चीजें हैं। ठीक है, तो आप कई ऐसे पेपर हैं जिसके अंदर ये एक्सप्रेशन नहीं दिया गया, जस्ट जीनोम वाइड एनालिसिस किया हुआ है। तो इससे हमें कम से कम ये अगर ये 4.5 इम्पैक्ट फैक्टर वाला पेपर है ना, तो हम इससे इंशाल्लाह 1.5-2 इम्पैक्ट फैक्टर वाले पेपर में सबमिट करवा सकते हैं चीजें। काफी क्वेश्चन बस ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी डोमेन कौन से फंक्शन के लिए वर्क कर रही है थ्रू एनालिसिस? उसके लिए हमने इस ऑनलाइन एक सॉफ्टवेयर है, और वो हम अभी फातिमा को बताया, वो उसको फायजा को बताया था, इसने खूब किया था ना, मुजाहिद है वो लड़का भी आता है, कि वो हम ना डोमेन्स का वो एनालिसिस करेंगे। क्या नाम है उसका फायजा सॉफ्टवेयर का? फायजा जीनियस प्राइम सर, जिसके अंदर हम हमारी जो जितने भी हम प्रोटीन आइसोलेट करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे उसको फिर क्या कहते हैं डॉकिंग, उसका हम डॉकिंग एनालिसिस करेंगे। अबीरा वो हमारा एक सॉफ्टवेयर है, उससे हमें काफी हद तक हाइपोथेटिकली हाइपोथेटिकल कंफर्म नहीं हाइपोथेटिकल फंक्शन चल जाएंगे। चलें ठीक है, ठीक है। अब इसका मैं एग्जैक्ट जो है ना पहले मैं बताता हूँ उसके ऊपर मटेरियल मेथड के ऊपर। ये देखें डिफरेंट, ये देखो ग्रुप्स बनाए हुए हैं इन्होंने, ये सारे आपको आ जाएंगे। ये नहीं काम आप अपलोड करोगे, ये जो एक्सप्रेशन वाला रियल टाइम पीसीआर वाला, बाकी इंशाल्लाह आपका सारा काम इसके अंदर हो जाएगा। पेयर वाइज कंपैरिजन ये आप करोगे, एक एनालिसिस करेंगे, फिर इसका लाइक्लीहुड करेंगे, फिर उसके बाद फिर मेथड्स है। ये देखो अरेबिडोप्सिस विंकी ट्रांसक्रिप्शन जीन पर ओब्टेन फ्रॉम, फिर राइस के देखे इन्होंने, फिर सारे अरेबिडोप्सिस विंकी प्रोटीन्स वर ओब्टेन्ड फ्रॉम टायर। टायर क्या है? द अरेबिडोप्सिस इंटर वो जो है ना थैलियाना को डाटा, ठीक है, उसमें से इन्होंने क्या किया विंकी के प्रोटीन सीक्वेंस ऑब्टेन किए, फिर उन और राइस प्रोटीन वर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम राइस जीनोम, फिर विंकी प्रोटीन्स ऑफ द पॉपुलर जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं उसके ना हम सीक्वेंसेस कहीं से लेंगे और उसको फिर पर है डेटा बेस से उसको सर्च करेंगे। आप ये जी बच्चे सर जैसे फाइलोजेनेटिक ट्रीज बनाए थे उस टाइप का आप कह रहे हैं? उसी तरह का भी काम करना है, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस भी करने हैं, उसके आपकी जो X-BART21 जीन है उसकी प्रोटीन बना के उस जीन का भी एनालिसिस करेंगे, उसके अंदर प्रिडिक्टेड करेंगे कि इसके अंदर कौन सी डोमेन्स हैं, फिर हम देखेंगे कि टोमेटो के अंदर X-BART21 जीन जो है इनकी कितनी जीन फैमिलीज हैं। ये बहुत अच्छा है, बड़ा खूबसूरत चैप्टर बन जाएगा आपके। सर आप कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी जो जीन की सीक्वेंसिंग हो चुकी हुई है जो मौजूद है पहले से ही उस पे हमने वर्किंग करनी है, उसी पे काम करना है। फर्ज क्या, एक बंदे ने जीनोम आइसोलेट करके टोमेटो का जीनोम लिया, उसको सीक्वेंस करवाया, सारे क्रोमोसोम सीक्वेंस करवा लिए, ठीक है। अब उसने काम करवाया था जस्ट अभी किसी और मकसद के लिए, फर्ज किया उसने जस्ट चेक करना था कि टोमेटो का जीनोम जो है उसका साइज कितना है,
और उसके अंदर फ्रूट डेवलपमेंट रिलेटेड जीन उसने स्टडी करना था, फर्ज किया बस, लेकिन उसने पूरा चेंज करवा दिया जब उसने कोई म्यूटेशन आइडेंटिफाई करनी थी। अच्छा, अब उस वो उस वक्त तक पेपर पब्लिश नहीं कर सकता जब तक अपना पूरा जीनोम एनसीबीआई के अंदर सबमिट नहीं करवाता डेटाबेस। अब हमने क्या करना है, वो डेटाबेस से वो डाउनलोड कर लेना जीनोम, ठीक है। अब हमने उसके अंदर ये जो काम हम डिफरेंट जीन्स हैं उसके ऊपर करेंगे, और उसकी रिलेटेड जितनी भी कोई सीक्वेंसेस है इंटरनेट के ऊपर, वो पहले उससे रिलेटेड प्रोटीन फॉर का विर्की जीन, इससे रिलेटेड मुख्तलिफ जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर से इसकी प्रोटीन की सीक्वेंस डाउनलोड करेंगे, फिर उसको टोमेटो में के अंदर से आइडेंटिफाई करेंगे। ये आप लोग ऐसा करोगे, फिर उसमें से जितनी सीक्वेंसेस आपकी आती जाएगी फिर उसको हम फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करेंगे, और इसके अलावा प्रोटीन लेवल के ऊपर भी स्टडी करेंगे, फिर उस प्रोटीन की डॉकिंग भी करेंगे, डॉकिंग एनालिसिस कि ये जो प्रोटीन है और किस किस प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन कर सकती है। ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू पता चल जाएगा कि ये हमारे पास एक्सपैट 21 का जीन है, इसकी ये प्रोटीन है, और ये प्रोटीन प्लांट की इस प्रोटीन को के साथ मिलकर उसको के साथ रिएक्शन कर सकती है, या उसको अप रेगुलेट कर सकती है या डाउन रेगुलेट कर सकती है। इवन हमें टू सम एक्सटेंट ये भी अंदाजा हो जाएगा कि इसकी ये डोमेन यूसी डोमेन को साथ मिलकर उसको डाउन रेगुलेट कर देगी और उससे हमें एक पाथवे भी थोड़ा बहुत पता चल जाएगा, हाइपोथेटिकल कंफर्म पाथवे नहीं, हाइपोथेटिकली वी कैन आइडेंटिफाई, ठीक है। और इस एनोटेशन के थ्रू, प्रेडिक्टेड जीन्स के थ्रू हम एक बहुत अच्छा पेपर पब्लिश कर सकते हैं। और आपका एक जो बर्डन है, जब एक बार एक जीन पे ऊपर काम कर लोगी ना आप, फिर डेली एक अंदर आप किसी और जीन को पकड़ेंगी, उसका जीनोम वाइड कर लेंगी, इस तरह आप अगर आप चाहें घर बैठे काफी पेपर पब्लिश कर सकती हो विद इन अ ईयर। जी सर, मेरी बात की समझ आ गई आप लोगों को? तो ये सारे सॉफ्टवेयर, उसमें से ज्यादातर सॉफ्टवेयर ये मुजाहिद को आते हैं, कुछ मुझे आते हैं, लेकिन मैं वो मुजाहिद जरा इसका ज्यादा अच्छा उसका एक्सपीरियंस है, ठीक है। लेकिन मैं आपको नॉलेज ये दे रहा हूँ अभी, वो इंशाल्लाह उसके ना तो बिजली चली गई है तो वो ना कहता बिजली के तो वो सर ये आप ये जीनियस प्राइम वाले की बात कर रहे हैं ना? जीनियस जीनियस जीनियस। और सर जैसे अब आपने मुझे एक्सपेंशन जीन जो है उसके ऊपर काम करने के लिए बोला सर, मैं आपको सुन रहा हूँ। मुजाहिद आ गया? जी सर। चलो ठीक है यार, आप मैं बोली जा रहे हैं यार। मुजाहिद कितना आईडी का? जी जी सर। वाह मुजाहिद इज देयर, गुड। चले मुजाहिद, मैं सही बोल रहा था कि ठीक था? बस सर मैंने 2 मिनट हुए ज्वाइन किया, लेकिन सर आप कैसे गलत हो सकते हैं। चले अब आप शुरू हो जाए, बच्चों को बताएं कि असल में ना हमारे पास अच्छा हमारे पास ना 2 स्टूडेंट हैं, एक फातिमा शाहिद है, वो अभी न्यू उसने okay, काम करना है,